हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये जो रैशनल नंबर्स लिखे हैं इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि बहुत सिंपल है। कैसे करना होगा, देखिए -3/33 है, ठीक। 3 1 जा 3 हो गया -1/11, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। यानी कि अब कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं आएगा जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट सके या डिवाइड कर सके, ठीक है। अब देखिए 40/-25, देखिए 40 है और ये है -25, राइट। देखिए 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। अब 8 और 5 दोनों ही, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों आते हों, ठीक है। तो बस यही है इनका सिंपलेस्ट फॉर्म, 8/-5, ओके। अब देखिए ये है आपका 17/56, 17/56 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों आते हों, ठीक है। तो 17/5-56 यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ओके। अगेन 51/26, ये दोनों ही किसी एक के टेबल में नहीं आते हैं, तो 51/26 ही इसका आंसर आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 2 इन सब के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। पहला इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर होगा, जैसे 27/48 है, इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इसका। सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए 27/48 है, ठीक है। अब देखिए ये किसके टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमने तो इसको ऐसे कर दिया, 3 9 जा हो गया 27, 3 1 जा 3 3 6 जा हो गया आपका 18। अब ये 9/16 है, तो भाई 9/16 ऐसा कोई भी एक टेबल नहीं है जिसके जिसमें दोनों ही आते हों, ठीक है। यानी कि ये हो गया 27/48 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, राइट। अब अनदर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करिए, 27/48 में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 2 मल्टीप्लाई करिए। आपको और चाहिए होगा तो आप 3 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 से, 5 5 से, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इससे आपको इक्विवेलेंट जो आपके रैशनल नंबर है वो मिल जाएंगे। तो देखिए क्या करना है, 7 2 जा हो गया आपका 40, 2 2 जा 4 एंड दिस इज 5, अगेन 8 2 जा हो गया 16, 4 2 जा 8 एंड 9, यानी कि 9/16 और 54/96 ये आपका आंसर है। चलिए 7/-5 है, 7/-5 को आप और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 7 × 2 कर दिया, -5 × 2 कर दिया, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 14 और ये हो गया 10 और माइनस तो लगेगा ही, यानी फर्स्ट जो मेरा इक्विवेलेंट नंबर आ गया या रैशनल नंबर आया 14/-10 आया। अगेन अब मैं 7/5 जो हमारा क्वेश्चन था -5, इसमें मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 3 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 21 एंड ये हो गया आपका 15, यानी 14/-10, 21/-15, ये जो है आपके इक्विवेलेंट है रैशनल नंबर। सी है -2, -2 को देखिए, -2/1 कर लिया हमने, ठीक है, ये आ गया रैशनल फॉर्म में या रैशनल नंबर्स हो गए। आप क्या करिए, न्यूमरेटर में भी 2, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बच गया, -4/2 हो गया, यानी जो इसका फर्स्ट हो गया इक्विवेलेंट वो हो गया -4/2। अब क्या करिए, -2/1 इसमें आप 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, ये -6 हो गया और ये हो गया 3, ठीक है। तो -4/2 और -6/3, ये हो गए इसके 2 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट। अब डी देखते हैं, -56/13 है, तो क्या ये 13 से कैंसिल आउट होता है क्या, -56 नहीं होता, तो बस आप एक काम करो 56 × 2 कर दीजिए और 13 × 2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, ये 2 हो गया, 10 11 हो गया और यहाँ हो गया 26 माइनस, राइट। अगेन अब 56/13 आपके पास है, आप क्या करिए, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 6 3 जा हो गया 18, 15 यहाँ और ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 39, ठीक है, बस ये आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बहुत सिंपल है. देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. 8 से एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो गया 8x एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 12. सॉल्व कर दीजिए. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 12 अपॉन 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई था इधर. यहाँ जब लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, है ना. बस अब देखिए, 4 3 जा हो गया 12, 4 2 जा हो गया 8. अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी ये हो गया 15 बाय 2. ये हो गई आपके x की वैल्यू. आप 15 बाय 2 को 7.5 भी लिख सकते हैं. वैसे तो अभी हम डेसिमल पढ़ नहीं रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंसर में 7.5 दिया है. ओके, आइए देखें. ये सेकेंड है, तो यहाँ फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस 5x हो गया और 15 इंटू 4 हो गया. एक बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो माइनस है ना, यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सब जगह, तो यहाँ ये माइनस और प्लस की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. ये माइनस यदि ये यहाँ है ना, तो यहाँ पर भी आप इसे शो कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड भी शो कर सकते हैं नेगेटिव को. यानी एक्स जो होगा वो आपका हो गया 15 इंटू 4 अपॉन हो गया 5, और हमने नेगेटिव को यहाँ न्यूमरेटर में शो कर दिया. राइट, 5 बन जा 5, 5 3 जा हो गया 15, यानी 4 3 जा 12, यानी माइनस 12. ये आपका आंसर आ गया. ओके, ये देखिए, अब यहाँ थर्ड सी देखते हैं. यहाँ पर माइनस 16x हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एंड 4 इंटू 8 हो गया. अगेन मैं x इज इक्वल टू क्या कर सकती हूँ, माइनस कर दिया, 4 इंटू 8 अपॉन 16 कर लिया. 4 4 जा हो गया और 4 2 जा हो गया, यानी माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन जहाँ पर दिया हुआ ना, उसी पेज नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स बुक्स में दी हुई है और एग्जांपल के साथ दी हुई है. तो मैं नहीं समझती कि मैं आपको यहाँ वीडियो में बताऊँ. आप बुक से इसको देख लीजिए, बुक में दिया हुआ है. राइट, चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. ठीक है, ये आपको पेयर दिए हुए हैं. ठीक है, आपको देखना है कि कौन है जो इक्विवेलेंट है. ठीक, तो देखिए यहाँ है 36/90. ठीक, 36/90 का स्टैंडर्ड फॉर्म और क्या हो सकता है, 9 4 जा 36 और ये 10 हो गया, है ना. 2 2 जा हो गया 4, 2 5 जा, यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया 2/5. एंड ये जो आपका 52/130 है, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, तभी तो आप बता सकेंगे ना कि वो ये 2/5 के यानी 36/90 के इक्विवेलेंट हुआ या नहीं. तो देखिए क्या करा जाए, 13 वन जा 13, 13 4 जा 54 होता है, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा हो गया 10, यानी ये भी 2/5 हो गया. अब देखिए ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है, तो ये दोनों जो हैं आपके, यानी कि 36/90, 52/130 दोनों इक्विवेलेंट है रैशनल नंबर्स. राइट, चलिए यहाँ देखते हैं बी में, 15/24, 3 5 जा 15 और 3 8 जा हो गया 24, यानी ये हो गया 5/8. ठीक है, सेकेंड है -45 -72. ठीक है, अब मैं इसे देखती हूँ, तो माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब देखिए ये आपको किसके टेबल से इजी लगता है, हम तो पहले 3 से करते हैं. 3 1 जा 3, 3 5 जा हो गया 15, अब 3 2 जा हो गया 6 और 3 4 जा हो गया 12. ठीक है, अगेन 3 5 जा 15, 3 8 जा हो गया 24, यानी ये हो गया आपका 5/8. देखिए ये भी 5/8, ये भी 5/8, बस. तो ये भी जो आपका ये है बी, ये भी इक्विवेलेंट पेयर्स हैं. ओके, सी, -11/36 एंड 22/72. फ्रेंड्स, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेचुरल सी बात है इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं सकते, पहले से ही पता चल रहा है. ठीक है, और आप यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं, यानी आप इसको और कैंसिल आउट करना चाहते हैं, तो भले कर सकते हैं. ठीक है, ये देखिए आपका -11/36 है, ये दोनों जो हैं किसी एक की टेबल में नहीं आते, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म इनका यही है. आइए 22/72 देखते हैं. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा और 2 6 जा, यानी ये 11/36 आ रहा है, लेकिन ये -11/36 है, इसलिए ये इक्विवेलेंट तो नहीं है. ठीक है, मैंने इसको इक्वल टू
यानी इक्वल नहीं है, बता दिया, राइट। अगेन देखिए 6 and 6/2, भाई 6 यानी 6/1 हुआ और 6/2 यानी ये हुआ। अब जरा देखिए इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये तो 6 आता है, जबकि 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6 होता है, ये 3 हो गया। आप देख रहे हो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। आप यदि चाहते हो कि देखना कि ये पेयर्स जो हैं ये रैशनल नंबर में है तो यस 1/1 कर दीजिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये तो इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रैशनल नंबर। आपको 6/10 और 4/16 दिया है और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें ग्रेटर नंबर कौन है, यानी 6/10 ग्रेटर है कि 4/16। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करने होते हैं तो हमें जो डिनोमिनेटर होता है ना, यानी जैसे 10 और 16 है, इसका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम ये निकालना मैंने क्लास 6 में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। आपने मेरे वीडियोस क्लास 6 के नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है, वहाँ से आप एलसीएम निकालना देख लीजिए, ठीक है। और इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं 10 और 16 का तो ये आता है 80, राइट। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ हो गया 80 हमने लिखा, अब हम 10 से 80 को पहले डिवाइड करते हैं, आता है 8, और फिर 8 से 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, राइट। अगेन हम 16 से 80 को डिवाइड किया, कितना आया 5, 5 से 4 मल्टीप्लाई किया, आ गया 20। अब देखिए 48 और ये 20, इनमें आप क्या देख रहे हैं, 48 इज द बिगर नंबर कि 20? तो 48 इज बिगर, इसका मतलब है कि जो 48 बिगर है, यानी ये कैसे आया था 6/10 से, यानी 6/10 इज द बिगर नंबर है ना देन 4/16, ये आपका आंसर होगा। ओके, बी -11/20 एंड -5/14। तो फ्रेंड्स अगेन यहाँ एलसीएम निकालना है आपको, पहले एलसीएम आपको, ठीक है, आपको क्लास 6 में भी समझाया जा चुका है, आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस बने हुए हैं क्लास 6 के, मैं लिख दूंगी, आप ज़रूर देखिए, राइट। चलिए 20 एंड 14, इसका एलसीएम आता है 140, ठीक है। उसके बाद 20 से हमने इसे डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 7, 7 से 11 मल्टीप्लाई करो तो हो गया 77, ये माइनस का है। 14 से डिवाइड करिए, आया 10, 10 और 5 मल्टीप्लाई हुए तो आया 50। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए -77 और -50, ठीक है। अब आप जानते हो जब नेगेटिव में आप चलते हैं तो नेगेटिव में जो आपका जो बिगर नंबर होता है ना वो हो जाता है स्मॉलर, ठीक है, और जो स्मॉलर नंबर होता है वो बिगर हो जाता है, यानी कि आपको -50 ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये स्मॉलर नंबर है, तो नहीं फ्रेंड्स ये बिगर नंबर होगा, यानी स्मॉलर होगा -77, यानी कि आप यहाँ देखिए जब ग्रेटर आपसे पूछा है ना तो ग्रेटर होगा -5/14, ठीक है, देन -11/20। ओके फ्रेंड्स, तो एक सी है 125/170 एंड 5/4 एंड डी है 9/14 एंड 8/13। देखिए मेरे ख्याल से आपने ए और बी तो अच्छे से समझ लिया है ना, तो बस आप सी और डी भी इजीली निकाल सकते हैं, बस आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए मेरी वीडियोस आपके हेल्प कर देंगे, ठीक है, क्लास 6 के, राइट। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, है ना। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो बहुत लेंदी क्वेश्चन लग रहा है ना, तो घबराइए मत, मैं हूँ, ठीक है, हो जाएगा सब। देखिए 7/11, 8/-6, -6/8, 2 1/4 एंड 27/25, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है इसका। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, राइट। सबसे पहले तो हम देखें इन्हें आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, है ना, 8/-6 है और -6/8 है, ये है 4 2 जा 8 एंड 9, 9/4 हो गया और ये है आपका 27/25, ठीक है। अब क्या करिए 11, 6, 8, 4 और 25, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। आपको लेना है एलसीएम ऑफ किसका, 11, 6 का, 8 का, 4 का, 25 का। एलसीएम ऑफ 11, 6, 8, 4, 5 इज इक्वल टू आता है 6600, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ लिखती हूँ 6600, ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देती हूँ, राइट।
हटा देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। अब 6600 आ गया आपका एलसीएम। आप शुरू करिए 11 से, पहले डिवाइड कीजिए कितना आता है 11 से डिवाइड करने पे, ये आ जाएगा 600। अब 600 में आपको 7 मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 4200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉमा लगा देते हैं, ये आएगा नेगेटिव। 6 से पहले से डिवाइड किया तो ये हो गया 1100, 1100 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 8800 हो जाएगा, राइट। अगेन अब 8 से डिवाइड करना है इसको तो कितना आएगा, देखिए तो 6600 है, 8 से डिवाइड करिए 64 और 65 66 2 हुआ तो 82 जाओगे आपका 16, फिर बचेंगे आपके 4 8 5 जा, ठीक है 40 हो गया, यानी 825। और आपको अब 6 से मल्टीप्लाई करना है उसको, तो देखिए इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा, ये हो गया आपका 30 और 12 और 3 हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 48 और ये हो गया आपका 49, यानी आ रहा है -4950, राइट। चलिए आगे बढ़ें, 4 से अब इसको डिवाइड करिए तो 4 से इसको डिवाइड करना है 4 और ये है आपका 6600, 4 1 4 5 6 2 हो गए तो 4 5 20, 4 6 24, फिर 4 5 हो गया 20 और ये हो गया 0, ठीक है। ये आ गया आपका 1650, 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो गया 0, 9 5 45, 9 6 54, 54 और 4 58, 9 1 9 और 10 और ये हो गया 14, यस ये हो गया 14850, ठीक है। अब 25, तो 25 से आपको 6600 को आपको डिवाइड करना है 25 से, राइट। तो ये हो जा रहा है, आप देखिए कितना हो जाएगा, 25 1 25, 25 2 50 हो गया, 60 और 66, यानी कितना बच गया आपका 16, और 25 6 तो होते हैं 150, यानी कि बचा है 10, यानी ये 25 4 हो गया आपका 100, राइट। अब इसको 27 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, 27 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है 6128, ठीक है 6128। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा हमने कर लिया, बस अब यहाँ देखना है अपने को, इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखना है ना। तो देखिए सबसे पहले तो असेंडिंग में स्मॉलेस्ट आएगा, तो स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं ये नेगेटिव वाले, इन दोनों में से ही कोई सबसे छोटा होगा, यानी स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और देखिए अब आप जरा देखिए, ये इनमें आपको कौन सा लग रहा है बिगर नंबर, बिगर नंबर आपको लगेगा कि नहीं ये है, तो फ्रेंड्स जो नेगेटिव जो स्मॉलर लगता है ना वो स्मॉलर नहीं होता है, वो होता है बिगर नंबर, यानी ये बिगर है और ये स्मॉलर है, यानी कि ये जो -8800 जो है ना ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। अब ये किसको शो कर रहा था, ये है 8 by -6, तो 8 by -6 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इससे जो बिगर है वो क्या है -4950, यानी -6 by 8, तो -6 by 8 हो गया। अब आपको 4200 और ये वाला नंबर और ये नंबर, इन तीनों में कंपेयर करना है, ठीक है। यानी कि अब देखिए इन तीनों में सबसे यानी स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप देख रहे हो ये है 4200, यानी 7 by 11, ठीक है। इससे जो बिगर है वो क्या है 6128, यानी 27 by 25, एंड द बिगेस्ट नंबर इज 14850, दैट मीन्स 2 1 by 4, यानी 9 by 4, ठीक है 9 by 4, यही आपका आंसर है, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी है उसको भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है और सेम प्रोसीजर आपको यही अडॉप्ट करनी है, सो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको हम डेसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि जैसे असेंडिंग क्वेश्चन नंबर 7 किया था, बस जस्ट इसका रिवर्स करना है, राइट। तो चलिए इसको करते हैं। फ्रेंड्स यदि अब तक आपने मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसमें आप ऑल पर प्रेस करिए, ठीक है, तो इतना करिएगा ज़रूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखते हैं। हमने
हमारे पास 11 by 24, 24 by 11 minus 24 by 11, 11 by minus 24, 7 by 12, ये दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, मैंने एलसीएम निकाल दिया, 24, 11, 11 minus 24 और 12, या आप इसको माइनस 24 का तो नहीं, आप 24 का निकालोगे, राइट, ये आता है 264, ठीक है, 264, ये हो गया 264, 24 से हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 24 से जब 264 को डिवाइड करते हैं या आप कैंसिल आउट करते हो तो क्या होता है, ये हो गया आपका हाँ यस, ये आता है 11, तो 11 में 11 मल्टीप्लाई करने पे आता है 121, राइट। अब आइए सेकंड देखते हैं, 11 से आपको 264 को डिवाइड करना है या कैंसिल आउट करना है, ठीक है, ये देखिए 11 से 264 को डिवाइड करना है या कैंसिल आउट करना है, देखिए कैसे करते हैं, 11 टू जा हो गया 22 हो गया और फिर 22 फिर 23, 24, 25, 26, यस 11 4 जा 44, 24 ये आया, 24 ये है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 24 ये होता है 576। अब देखिए 24 11 है, ये भी 24 by 11 है, लेकिन बस इसमें नेगेटिव है, तो आना जो यहाँ आया है वो यहाँ पर भी आएगा, माइनस हो गया है बस, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये 11 by 24 है, ये भी 11 by 24 था, बस इसमें नेगेटिव है, तो यहाँ जो आया है 121, यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया, उसको नेगेटिव के साथ लिख दिया। अब 7 by 12 है, तो 7 by 12 है, यानी 12 से मुझे इसे डिवाइड करना है, 264 को 12 से डिवाइड किया, देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा हो गया आपका 24 हो गया, 24 फिर यहाँ पर कितना बच गया आपके पास, 2 12 2 जा हो गए 24, यानी 22 आ गया, और 7 में आपको मल्टीप्लाई करना है 14 और ये हो गया 15, यानी 154 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, हमने सारा काम कर लिया यहाँ पर। अब बस हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले इन जो नंबर्स हैं, अब आपको डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं है, इन नंबर्स में से आप चूज़ करिए कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है या लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो बिगेस्ट देखते हैं, बिगेस्ट कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, आप देखिए जो नेगेटिव होंगे वो क्या होंगे, वो तो स्मॉलर नंबर है, उन्हें तो अभी आप छोड़ दीजिए, तो बिगेस्ट ये है 121, 576 और 154 में से ही आप चूज़ करोगे, तो 576 इज़ द बिगेस्ट नंबर, यानी कि 24 by 11 बिगेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। इससे आप जो स्मॉलर नंबर है वो देख रहे हैं 154 है, यानी 7 by 12 है, फिर स्मॉलर कौन सा है 121, यानी 11 by 24 है, राइट। अब आते हैं हम, ये तीनों नंबर हमने लिख लिया, अब ये 2 जो है नेगेटिव नंबर है, यानी कि स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें, तो आप जानते हो जो बिगर नंबर दिखता है वो ही स्मॉलेस्ट होता है, तो ये -576 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट है यानी -20, ये जो नंबर है थर्ड का है, -24 by 11 स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और ये बिगर है, इससे बिगर है ये -121, यानी माइनस का 11 by 24, राइट। तो ये है आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। 8 का बी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है, जैसे हमने ए किया है वैसे ही आप बी भी कर सकते हैं, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स दिए हैं, इनके आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगा तो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो देखिए अब मुझे निकालना है -5/7, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम ऐसा बनाते हैं, राइट, -5/7 ऐसे लिखेंगे एब्सोल्यूट, और -5/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव ही होगी, तो ये हो जाएगा 5/7। अब बी देखिए, यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/-3 कहा है, तो क्या हो गया, ये भी माइनस है, तो हमेशा पॉजिटिव ही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। सी देखिए, -9/-13, तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है -9/-13 की, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया आपका, आपको 9/13 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और पॉजिटिव भी पॉजिटिव ही होनी है ना, ठीक। अब आइए 5/8, आपको ये है पॉजिटिव, 5/8 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगी 5/8, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 5/8, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर है आपके 2 and 8, 2 and 8 का एलसीएम आपने निकाला तो ये हो गया 8,
यानी कि जो आपका 1/2 है और 5/8 है, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो गया 8, 2 4 जा एंड ये हो गया आपका 5, यानी ये हो गया आपको 4/8 है और ए है आपका 5/8। फ्रेंड्स, अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया है, अब हम इसे पार्ट्स में अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं और अपने को अच्छे से पता चल जाता है कि 4 एंड 5 अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो देखिए, 4/8 और 5/8, यदि आप चाहोगे तो भी आपके पास 4 और 5 के बीच में रैशनल नंबर्स निकलना अभी भी इजी नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं इनके बीच में, तो आप एक काम करिए, 4/8 को जब हम, यदि हमने 2/2 से भी मल्टीप्लाई किया तो भी ये 8/16 होगा, यहाँ 8 आएगा और जब इसको 2 से करूँगी तो ये 10 आएगा, यानी कि फिर भी मेरे पास 6 रैशनल नंबर्स नहीं आ पाएंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, जरा 7/7 से मल्टीप्लाई करिए और ये 5/8 को भी आप 7/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, ये हो जाता है आपका 28 और ये कितना होता है, 8/7 जा हो गया आपका 56, ठीक है, ये हाँ हो गया ये 35 और ये हो गया आपका 56। अब देखिए, 28/56 और 35/56 इनके बीच के कितने रैशनल नंबर हैं, देखिए 28 से शुरू होगा तो 29/56, फिर 30/56, फिर 31/56, 32/56, 33/56, फिर 34/56, ठीक है, और ये तो है ये 35/56, आपको कितने निकालने थे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका आंसर। तो देखा आपने कैसे निकालना है आपको 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/8, ये है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है, रैशनल नंबर 17/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के लेफ्ट में होता है 17/5। अब भाई 17/5 पॉजिटिव है, ठीक है, और 0 के नंबर लाइन में, 0 के इस साइड में तो यानी राइट साइड में पॉजिटिव, और नेगेटिव जो होता है लेफ्ट साइड में होता है, है ना। यहाँ कह रहा है 17/5 यानी प्लस 17/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, लेफ्ट ऑफ 0, तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि पॉजिटिव तो राइट होता है ना, राइट साइड में होता है 0 के, तो ए जो हो गया हमारा ये हो गया फॉल्स। बी है, रैशनल नंबर -7/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के लेफ्ट में होता है -7/5, तो नंबर लाइन के यानी नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट में नेगेटिव होता है और यहाँ पर भी आपको नेगेटिव 7/5 दे रहा है और कह भी रहा है कि हाँ वो लेफ्ट में होता है, तो यस बी क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। सी देखिए, रैशनल नंबर -17/5 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, यहाँ पर कह रहा है कि -17/5 जो होगा राइट में होगा 0 के, तो 0 के राइट में तो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव कह रहा है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। ओके, डी देखिए, रैशनल नंबर -17/5 एंड 7/-5 लाए ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि -17/5 है और एक है 7/-5, ये 7/-5 हो या -7/5 हो, दोनों एक ही है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये दोनों रैशनल नंबर जो होंगे ये ऑपोजिट साइड्स में होंगे 0 के ऑन द नंबर लाइन में, तो देखिए दोनों नेगेटिव हैं तो ये तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ही और एक ही तरफ आएंगे, तो कह रहा है वो रॉन्ग है यानी कि फॉल्स है, ठीक है, यानी ये भी हो गया आपका फॉल्स। अब ई देखिए, रैशनल नंबर -17/5 एंड 17/-5 लाए ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन, अगेन वही बात यहाँ पर भी कह रहा है जैसे डी में कहा था, सेम चीज़ यहाँ पर भी कह दी है और दोनों नेगेटिव है, राइट, बस डिफरेंस क्या है, डी में 7/-5 था, यहाँ पर 17/-5 कर दिया, तो ये भी आपका सिमिलरली डी के जैसे ही फॉल्स है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सम्स के साथ अगले वीडियो में।
ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।